नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं WTI क्रूड ऑयल की, US ऑयल की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जो ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से लेवल हैं जो US ऑयल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे WTI क्रूड ऑयल का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा मार्केट में एक अपसाइड डाउनसाइड, प्राइसेस नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, और मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन प्राइसेस पे एक सपोर्ट लिया और मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई। फिर वहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लेके अपने आप को ऊपर के लिए कंटिन्यू करा, जिसमें इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो $62 के ऊपर हुई है। पूरे चार्ट में अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि नीचे में सपोर्ट मिला और प्राइसेस ने थोड़ा सा ऊपर आकर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी है। इस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो हमें देखकर नज़र आ रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है क्रूड ऑयल में आगे की? देखिए, पिछले कुछ महीनों से अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल में एक अप ट्रेंड बना हुआ है और प्राइसेस ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन करते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो आगे अभी पर अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो एक कंसोलिडेशन टू स्लाइटली सेलिंग प्रेशर एट हायर लेवल्स और बाइंग जोन एट लोअर लेवल्स, कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड बना हुआ है जिसके बीच में क्रूड ऑयल का ट्रेड चल रहा है। ठीक है, ऐसे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, उस पर अभी हम बात करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक अपसाइड, प्राइसेस नीचे और नीचे और नीचे, और यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, प्राइसेस ऊपर, और यहाँ पर फिर से एक कंसोलिडेशन और प्राइसेस अपने इस रेंज के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड करते हुए क्लोज हो गए। क्लोजिंग प्राइस था $62.11। यहाँ पर भी हमें वही ट्रेंड नज़र आ रहा है जो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा कि लोअर लेवल पे एक सपोर्ट मिला और प्राइसेस जो है वो उस जो डिस्प्ले का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर जितना भी हमें चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें एक हायर लेवल पे मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया हुआ है। आगे किस तरीके का ट्रेंड रह सकता है उसके लिए अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल के चार्ट में एक अच्छी बाइंग, प्राइसेस ने ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया प्राइसेस को, वहाँ से सेलिंग, प्राइसेस और नीचे, और यहाँ से थोड़ा सा अभी तक एक सपोर्ट मिला हुआ है 62.11 पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। कौन से वो लेवल्स होंगे जो इसमें से इस अप ट्रेंड को आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और कौन से वो प्राइसेस होंगे जो इसमें इसकी सेलिंग को और ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, और इन सब के बाद हमारा व्यू किस तरीके का है उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी हमें जिस तरीके का एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मार्केट में एक अपसाइड, एक करेक्शन, करेक्शन के बाद थोड़ा सा सपोर्ट मिला हुआ है। इसे हम अपसाइड या डाउनसाइड की तरीके से काउंट नहीं कर सकते, बस ये कि मार्केट ने नीचे जाते हुए एक सपोर्ट लिया हुआ है जिसमें प्राइसेस ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, कोई बहुत रिकवरी कोई इतनी बड़ी नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ एक अलग व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में एक अप ट्रेंड, प्राइसेस कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ आए, वहाँ से नीचे, और ये जितना भी ये ट्रेडिंग जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का है। प्राइसेस इसके बीच में ट्रेड करते रहे, यहाँ से एक अपसाइड ट्रेंड बना और ऊपर, और वहाँ से सेलिंग के बाद मार्केट ने ये एक रिकवरी दिखाई हुई है। हम किस तरीके से देखिए, क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा वो बेनिफिट में रहते हैं जो पोजिशनल ट्रेड लेके चलते हैं, जैसे कि आज खरीद लिया और अब हम बात करेंगे 2-3 महीने बाद के हमें क्या करना है क्या नहीं करना। क्रूड ऑयल का ट्रेंड जो है वो ग्रेजुअली ऊपर या नीचे की तरफ जाता है, इसमें कभी भी हमने इस तरीके का नहीं देखा कि मार्केट में अभी तेज़ी आ रही है अभी मार्केट नीचे है। वो कुछ ही सेशंस होते हैं और वो भी सिर्फ इन्वेंट्री के टाइम पर होते हैं, पर उसका एक बड़े टाइम फ्रेम पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का जोन है जिसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है मार्केट को एक सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार डेली चार्ट्स पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू अभी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो मार्केट में एक
कंसोलिडेशन जो, एक सेकेंड, एक कंसोलिडेशन जो यहाँ पर था डाउन साइड, फिर वहाँ से एक अप साइड और फिर अप साइड, फिर करेक्ट होने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन और मार्केट यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस पूरी रेंज में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाया। इस प्राइस का अब ब्रेक होना, वो तो खैर बहुत दूर की बात हो गई है कि ये ब्रेक होगा भी। मार्केट ने फिर एक अप ट्रेंड दिखाया और इस अप ट्रेंड में जिस लाइन को ब्रेक किया, ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई है, इसका ब्रेक करना ही मार्केट में एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, अभी थोड़ा हम वीकली चार्ट्स पे जाएंगे, वहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस नज़र आएगी। और यहाँ पर भी हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट में, ये एक अपसाइड थी, वहाँ से मार्केट में डाउन साइड के बाद ये कर्व बनना शुरू हो रहा है। ये कर्व अगर इसी तरीके से बनता रहता है तो आने वाली जो वेव होगी क्रूड ऑयल में वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, प्राइसेस बहुत ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर दो तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहला, इस ब्लू ट्रेंड लाइन के ऊपर इसका सस्टेन करना। दूसरा, प्राइसेस में अभी एक शॉर्ट टर्म में इस कंसोलिडेशन के ऊपर जब तक प्राइसेस अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, इस चीज़ का कर्व इस तरीके से बनना। ये तीनों फैक्टर्स इसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार वीकली चार्ट्स पे, देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ये देखिए यहाँ पर ये और ये पॉइंट को कनेक्ट करके इसे आगे एक्सटेंड करा, इसके ऊपर जब से मार्केट है तब से मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। इसके नीचे जाने की मार्केट ने कोशिश भी नहीं करी, इसे टच भी नहीं करा और इसके ऊपर ही अपने आप को सस्टेन करते हुए नज़र आ रहे हैं जब तक मार्केट इसके ऊपर है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, क्रूड ऑयल क्या है, आपसे टाइम मांगता है। आप जितना ज़्यादा इसमें रुके रहेंगे पेशेंटली, मार्केट जो है आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा, साथ ही साथ एक अच्छा प्रॉफिट देगा बजाय उन हर कमोडिटीज़ से जो आपको रिस्क में भी रखती हैं और प्रॉफिट देने के लिए आपका जो रिस्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। तो इस तरीके से एक अभी ट्रेंड बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर ये कर्व इसी तरीके से बनता है तो प्राइसेस में और ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें बनती हुई नज़र आएगी। एक बार मंथली चार्ट पर और नज़र डालते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए मंथली चार्ट को डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, अभी सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज बचे हैं मेरे ख्याल से इस महीने के, और इस महीने की अगर क्लोजिंग थोड़ी सी और ऊपर हो जाती है तो नेक्स्ट मंथ मई के महीने में मार्केट एक अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, इसके काफ़ी स्ट्रांग इंडिकेशन हमारे सामने आ जाएंगे। देखिए ये तेज़ी थी, मार्केट ने एक रेड कलर की कैंडल क्रिएट की और ये भी अभी और थोड़ा सा ऊपर आके अगर क्लोज हो जाए तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल जाएगी। पूरे मई के महीने में काफ़ी ऊपर के प्राइसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। $80 का एक एक्सपेक्टेड प्राइस हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें देखने को मिल जाएगा। तेल के भाव ज़रूर बढ़ेंगे, उसे आप देख लीजिएगा कि उससे कैसे मैनेज करना है। यहाँ अब कौन कौन से प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट हैं जिसकी हमें बात करनी चाहिए, जो हमें ध्यान में रखने चाहिए अपने आगे वाले ट्रेडिंग के सेशन में। देखिए सबसे पहली चीज़ कि मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रहा है ये उस रेंज के बीच में है, 62.11। इसके नीचे देखिए एक प्राइस है 61 पॉइंट, मैं एक बार फिर लिखता हूँ, 61.50 और 61.00। ये दो प्राइस लेवल हैं जिसके बीच में अगर मार्केट बना रहता है तो थोड़ा सा सेलिंग को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ऊपर में कौन सा प्राइस है, मतलब 61.50 के नीचे मार्केट का होल्ड करे रहना, तब आपको बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है बाइंग को, या फिर आप अगर बाइंग करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा जो व्यू है अपना वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा के रखना पड़ेगा। सपोर्ट जो है वो फिर $59 के आसपास कहीं पर नज़र आएगा, जब तक मार्केट वापस एक रिकवरी ना दिखा दे। देखिए यहाँ पर मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूँ वो ये है, यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आती है, प्राइसेस 61.50 को ब्रेक कर गए, नीचे जाते हैं तो जाने दीजिए, कम से कम आपका ट्रेड तो नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ से टर्न करता है मार्केट तो आपको एक प्राइस का वेट करना चाहिए 62.50 के ब्रेक करने का। ये प्राइस जब ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है, ये पहला वो लेवल होगा जो मार्केट में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेगा और इस कंसोलिडेशन पार्ट से मार्केट को बाहर निकालेगा। इसके ऊपर जो प्राइस है वो यहाँ है 64.50,
पहला 62.50, दूसरा 64.50। इसके भी ऊपर अगर मार्केट आ जाता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फिर $80 के आसपास जाने की एक जो राह है वो क्लियर हो जाएगी, और 64.50 अगर आने वाले 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर ब्रेक हो जाता है और मार्केट इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दिखा देता है मंथली, तो मार्केट में $80 के टारगेट प्राइस हमारे सामने नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो नीचे में 61.50 और $61 के नीचे अगर मार्केट अपने आप को और सस्टेन करता है तो प्राइसेस में थोड़ा सा वीकनेस या सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। उसके नीचे अगर सस्टेन नहीं कर रहा तो मार्केट में देखिए डाउन साइड में हम शॉर्ट सेलिंग क्योंकि अवॉइड करना चाहते हैं, वो कब तक करना चाहते हैं, जब तक मार्केट यहाँ पर हमने जिस कर्व की बात करी थी, जब तक मार्केट इस तरीके का ये जो कर्व बना रहा है इसमें यहाँ पर आकर कहीं सस्टेन नहीं करना शुरू करता तब तक सेलिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। मार्केट नीचे जा रहा है जाने दीजिए, कम से कम आपका लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप जाने दीजिए। नीचे से मार्केट फिर अगर रिकवरी दिखाएगा तो फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं ट्रेड करने के, और अगर आपका अभी भी कोई आपने पोजिशनल ट्रेडिंग ले की हुई है और मार्केट में आपका कोई भी एक ट्रेड है जो बाइंग में बना हुआ है तो आपको स्ट्रिक्टली यहाँ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए, ये जो भी प्राइस होगा $52 या $53 का जो भी है। और ऊपर में अगर 64.50 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा WTI क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।